नमस्कार, स्वागत है आपका माय ज्योतिष में। नमक ऐसी चीज़ है जो हर एक घर में प्रयोग में आती है। नमक की मात्रा अगर खाने में थोड़ी भी कम या ज़्यादा हो जाए तो खाने में बहुत बड़ा बदलाव ला देती है। वैसे ही नमक हमारे जीवन को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। आखिर क्यों ऐसा होता है, चलिए जानते हैं। ऐसा माना गया है कि नमक बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जाओं को अपनी तरफ खींचती है और नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट कर देती है। जिस भी घर में नमक प्रयोग में नहीं आता उस घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का वास होने लगता है और वह नकारात्मक ऊर्जाएं इंसान को धीरे धीरे नष्ट करने लगती हैं। उस घर में बस दुख ही दुख भर जाता है, लोग खुश नहीं रह पाते और ना ही किसी चीज़ की वृद्धि होती है। नमक में एक अलग तरह का आकर्षण होता है जो अपनी तरफ सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीज़ों को खींचता है। हम अक्सर यह सुनते आए हैं कि हमें कभी भी किसी अनजान इंसान के हाथ से नमक नहीं लेना चाहिए। जी, ये बिल्कुल सही है। हमें कभी भी किसी भी अनजान इंसान के हाथ से खुला नमक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि नमक का प्रयोग हम कई सारे टोटके और मंत्र तंत्र विद्याओं में भी प्रयोग करते हैं। इसलिए आप सावधान रहें और कभी भी किसी भी अनजान व्यक्ति से खुला नमक अपने हाथ में कभी ना लें। चलिए अब जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिन्हें आप अपने जीवन में प्रयोग करके अपने जीवन को खुशहाल और अपने जीवन को अपने आप को धनवान बना सकते हैं। जी हाँ, नमक को पानी में मिलाकर अगर आप नहाते हैं तो उसकी वजह से आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जाएं आने लगती हैं। आप धीरे धीरे करके बीमारियों से मुक्त होने लगेंगे और आप देखेंगे कि आपको नहाने के बाद बहुत ज़्यादा फ्रेश और अच्छा महसूस होगा, जिसकी वजह से आपके चेहरे पे ज़्यादातर समय एक अच्छी मुस्कान रहेगी। नमक को कांच के प्याली में 4 से 5 लौंग के साथ रखने से घर में लक्ष्मी का वास होता है, धन हमेशा बढ़ता रहता है। नमक को सही मात्रा में लेने से शरीर में आयोडीन की मात्रा सही बनी रहती है, जिसकी वजह से क्वाइटर डिजीज मतलब घेंगा रोग होने से आप बच सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह उपाय है जिसको करने से आप शनि ग्रह से मुक्त हो सकते हैं और आपके घर में धन की देवी लक्ष्मी का हमेशा वास रहेगा और उनकी कृपा हमेशा आप पे बनी रहेगी। लक्ष्मी आप पे बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहेंगी। हर शनिवार थोड़े से नमक में 100 ग्राम काली दाल, 300 ग्राम चावल और कुछ लाल सूखी मिर्च को साथ में रखकर किसी को दान करें। ऐसा करने से आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आने लगेगा। कुछ समय बाद आप महसूस करने लगेंगे कि आपके जीवन से धीरे धीरे करके सारे दुख दर्द दूर हो रहे हैं और आपको एक खुशहाल ज़िंदगी आपके सामने दिख रही है।